Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema. I welcome back with another video of Capital Smart City. ओवरसीज प्राइम और इस वक्त जो साइट की डेवलपमेंट है वो उसके वाले से आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वक्त साइट पे मैं ओवरसीज प्राइम ब्लॉक की ब्लॉक ई और ब्लॉक एफ के दरमियान जो रोड है जो कनेक्टिंग रोड होगी बिटवीन टू एक्सेस रोड्स, यानी कि एक्सेस रोड वन जहां से आप जी ब्लॉक एच ब्लॉक को सेक्टर जी सेक्टर एच को एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरी साइड जो होगा सेक्टर ए सेक्टर बी जहाँ पे एक्सेस रोड टू है जिसकी विड्थ है 120 फीट और एक्सेस रोड टू की विड्थ है वन की विड्थ है 180 फीट। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा ब्लॉक के अंदर से, ओवरसीज प्राइम्स के अंदर से जो सेक्टर्स होंगे उसके दरमियान होगा। तो लेफ्ट साइड पे जो ब्लॉक है ब्लॉक एफ, और राइट साइड पे जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का नाम है ब्लॉक ई। ब्लॉक एफ में प्लॉट्स हैं एक कनाल, दो कनाल और चार कनाल के प्लॉट्स हैं, यानी 500 गज, 1000 गज और 2000 गज के प्लॉट हैं। और राइट साइड पे जो ब्लॉक है उसमें 7 मरला के प्लॉट्स हैं सेक्टर ई में, जिसका साइज़ होगा 35x53 175 स्क्वायर यार्ड। और इसके अलावा अगर गज़ों में बात करें तो टोटल साइज़ जो बनता है इसका प्लॉट का मरलों में 7 मरला का बनता है। ये ओवरऑल ब्लॉक ई की डायमेंशन है प्लॉट की जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। जहाँ तक बात है डेवलपमेंट की और एलिवेशन की, तो जो अदर ब्लॉक्स हैं जैसे ब्लॉक एफ है उसकी एलिवेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा जो छोटे ब्लॉक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी एलिवेशन जो काउंट होती है वो ब्लॉक ई की काउंट होती है, 7 मरला के ब्लॉक की। उसकी रीज़न ये, आपको कटिंग नज़र आ रही होगी रोड से, अभी यहाँ पे मैं जिस जगह पे जाऊँगा वहाँ पे एटलीस्ट सोसाइटी की तरफ से जो डेवलपमेंट हुई है वो 10 से 15 फीट की एलिवेशन इस जगह की कम की गई है, यानी यहाँ से मिट्टी काट के दूसरी जगह पे जहाँ पे डिप्रेशन थी वहाँ पे फिलिंग की गई है। तो अभी भी इस वक्त साइट पे यहाँ पे डेवलपमेंट अगर देखें या एलिवेशन देखें ब्लॉक की, तो बाकी स्ट्रीट्स की निस्बत या बाकी सेक्टर्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और सेक्टर ई और सेक्टर सी की जो आप कह लें एलिवेशन वो तकरीबन इक्वली आती है। सेक्टर सी अभी आपको लेफ्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है सेक्टर सी है, और सेक्टर सी में जो प्लॉट के साइजेस हैं वो है 40x68 मरलों में अगर बात करें तो 12 मरला, और अगर हम बात करें उसके यार्ड्स में तो टोटल बनता है 300 गज का प्लॉट। ये सेक्टर सी में अवेलेबल है, और सेक्टर ई का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 7 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल जो इन सारे ब्लॉक्स की एलिवेशन, मैंने पहले स्टार्ट में जिक्र किया था कि प्राइम ब्लॉक जब लॉन्च किया गया था तो इसका यूएसपी जो था वो था कि एलिवेटेड ब्लॉक है, इस ब्लॉक की एलिवेशन बहुत अच्छी है। इसके अलावा ऐसा कोई यूएसपी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त प्राइम ब्लॉक की डेवलपमेंट जो है वो बाकी तमाम ब्लॉक की डेवलपमेंट क्रॉस कर चुकी है। उसकी रीज़न ये कि लास्ट ईयर 2020 के एंड पे इसको लॉन्च किया गया था, और विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1.5 ईयर तकरीबन इस ब्लॉक की जितनी डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है। पार्शियल डेवलपमेंट जो चलती रहेगी साथ साथ, पार्शियल डेवलपमेंट से मुराद ये कि जब आहिस्ता आहिस्ता लोग पोजेशन अप्लाई करेंगे तो चीज़ें मेंटेनेंस की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती रहेंगी। इस वक्त सेक्टर जी सेक्टर एच और सेक्टर एफ ये जो तीन सेक्टर्स हैं इसमें तमाम के तमाम जितनी स्ट्रीट्स हैं उनको डेवलप किया जा चुका है, कटिंग फिलिंग सीवरेज लाइट्स और बाकी जो हॉर्टिकल्चर काम है वहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। जहाँ तक बात है सेक्टर ई और सेक्टर सी की, तो इन सेक्टर्स में अभी तक जो है वो सिर्फ कटिंग फिलिंग वाला काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा काम था एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्लॉक की निस्बत, तो इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन इन एनी केस डेवलपमेंट को अगर कंपेयर करें ओवरसीज प्राइम की बाकी किसी भी सेक्टर से, तो इस ब्लॉक की, इस ओवरऑल ब्लॉक की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं आपको एक्सेस रोड 1-2 की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि वन एक्सेस रोड जो वन है उससे एंटर हुआ था शुरू में जहाँ से जी ब्लॉक रच ब्लॉक की मैंने वीडियो पोस्ट की थी। अभी जो एक्सेस रोड टू है जिसकी वेट है 120 फीट, जहाँ से नॉर्मल एक्सेस करते हैं जब स्मार्ट रोड स्टार्ट हुआ था तो यही एक्सेस रोड मेन थी। तो ये अंदर से रोड दिखाने का मकसद ये कि इस वक्त प्राइम ब्लॉक के जो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं जो ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक को डिवाइड करती हैं, फिर आगे जाके डी ब्लॉक और सी ब्लॉक को डिवाइड करती है, और स्टार्ट में जाके ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के साथ कनेक्ट करती है, वहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस है वो कुछ इस तरह से है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आई गेस आज 20th ऑफ रमज़ान है, और ये वीडियो जो है उस वक्त मैं साइट पे प्रॉपर्ली लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज या कल मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, ताकि जिन मेम्बरान को आगे ओवरसीज़ प्राइम में बैलेटिंग के लिए आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है ईद के बाद, तो अपनी अगर 7 मरला की लोकेशन आपकी है तो प्रेफर करें उसको ई ब्लॉक में चूज़ करने की। डी ब्लॉक और ई ब्लॉक दोनों में आपको लोकेशन चूजिंग की ऑप्शन होगी, लेकिन ई ब्लॉक को प्रेफरेंस इसलिए करें कि ई ब्लॉक की जो डेवलपमेंट है वो एक तो बहुत फास्ट है, सेकंड इज कि ई ब्लॉक के अंदर आपको एलिवेशन बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है कंपेरिजन टू डी ब्लॉक की एलिवेशन ई ब्लॉक से कम है, और वो चक्री रोड से बिल्कुल एडजस्टेंट है, तो उसकी लोकेशन प्राइम ब्लॉक के अंदर प्राइम है लेकिन उस तरह से प्राइम नहीं है। लेकिन ओवरऑल सेक्टर ई में 7 मरला की लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम बनती है। कनाल की लोकेशन चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिले अगर प्राइम ब्लॉक में, तो ब्लॉक एफ को प्रेफर करें, सेकंड ऑप्शन में ब्लॉक एच पे जाएं। अगर आपको 10 मरला या 12 मरला की लोकेशन चूज़ करनी हो तो 12 मरला ब्लॉक के लिए आपको सी ब्लॉक चूज़ करें, और 10 मरला के लिए आप कोई भी चूज़ करते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक साइड से फ़र्क पड़ता है
कि जी ब्लॉक के डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ है, लेकिन जी ब्लॉक डिप्रेशन का ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है। सच बताऊँ तो वहाँ पे अच्छे से फिलिंग है, और जो जे ब्लॉक और के ब्लॉक है वो नॉन डेवलप्ड है। तो यहाँ तो आप फिलिंग वाला ब्लॉक ले लें, डेवलप ले लें, और यहाँ आप कटिंग वाला ब्लॉक ले लें, लेकिन लेटर स्टेज पे जब नॉन डेवलप है अभी और लेटर स्टेज पे डेवलप होगा तो वो ले लें। इन एनी केस जे और के डेवलप नहीं है, और जी डेवलप है लेकिन उसमें थोड़ी सी डिप्रेशन है, तो वो आपके सामने है। जैसे अभी ए ब्लॉक की तरफ मैं आ गया हूँ, मैं जी ब्लॉक वाली साइड सेंटर हुआ था, और अभी ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक वाला जो एक्सेस रोड है उस पर आ गया हूँ मैं। ये कनेक्टिंग रोड है, मेरे राइट साइड पे ब्लॉक डी है और मेरे लेफ्ट साइड पे इस वक्त जो है वो ब्लॉक बी है, और सामने जो आपको एक्सेस रोड 2 है नज़र आ रहा होगा। और इस वक्त यहाँ पे ये कि काफ़ी हद तक मेन रोड की कारपेटिंग हो चुकी है, स्ट्रीट लाइट्स भी लग चुकी हैं, बाकी जो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं, ड्रेनेज लाइन है, और इसके अलावा जो बाकी काम हैं साइड पे होने वाले वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होते रहेंगे, क्योंकि आजकल रमज़ान और आई थिंक आफ्टर अफ्तारी और बिफोर सहरी अफ्तारी से लेके अफ्तारी के बाद से लेके सहरी तक आई थिंक यहाँ पे शिफ्ट होती होगी, क्योंकि आमतौर पर डेवलपर्स जो हैं वो यही जो रूटीन है रमज़ान में अप्लाई करते हैं। तो ये इस वक्त स्टेटस है ओवरसीज़ प्राइम का। अगर आज आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो आप ये रिजल्ट्स अपनी आंखों से खुद विटनेस कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। खुदा हाफिज़।